निष्कापन का प्रक्रम कुछ इस प्रकार होता है कि निष्कापन में की अंग्रेजी जो वर्ण होती है उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। विस्थापन की बात करें तो सीधा सा इसमें याद रखना है आप लोगों को कि अगर वयस्क का सांद्रण कर लिया आप लोगों ने, अस्को बारीक पीस लिया, तो वयस्क का सांद्रण करने के पश्चात जो प्रक्रम किया जाता है उसको हम लोग निष्कापन के नाम से जानते हैं। अच्छा होता क्या है, ये सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, हवा नहीं है वायु की अनप्रेजेंस है, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर, क्या बोला हमने, गलनांक से कम ताप पर यानी कि गलनांक से कम उच्च ताप पर, क्या बोला हमने, गलनांक से कम उच्च ताप पर गर्म करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर से रिपीट करना चाहेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम उच्च ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा नमी और बाकी जो अपद्रव्य होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो पृथक हो जाती हैं और हमारा जो है वो निस्तापित अयस्क प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रम के पश्चात हम करेंगे भर्जन, इसमें वायु की क्या होगी, उपस्थिति होगी, गलनांक से कम उच्च ताप जैसा का तैसा रहेगा। तो पहले क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर निस्तापन करते हैं, इसके पश्चात भर्जन करते हैं, तीन तीन प्रक्रमों के बाद अयस्क हमारा जो है वो शुद्ध हो जाता है। आज की बात यही समाप्त, थैंक यू वेरी मच।